हेलो, डू यू लव समवन एंड फीलिंग हेजिटेंट टू एक्सप्रेस? मैं किसी से प्यार तो करता हूँ, मुझसे उम्र में बड़ी है, छोटी है, मेरी क्लासमेट है, लेकिन मैं उसे बोल नहीं पा रहा, क्योंकि अगर मैं उसे बोलूँगा तो हो सकता है वो मुझसे दोस्ती ही तोड़ दे, हो सकता है वो मुझसे बात ही ना करे, हो सकता है वो मुझे छोड़ के ही चली जाए. सो इसलिए मैंने उसे बताया ही नहीं. रॉन्ग. बताओ तो, अगर उसने छोड़ के जाना है तो वो बिना एक्सप्रेस करे भी छोड़ जाएगी. गर्ल्स हैज द पावर टू अंडरस्टैंड द बॉयज़ आईज फ्रॉम द सिक्स सेंस. वो देखते ही पहचानती हैं कि वो मुझे पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो एक्सप्रेस फर्स्ट. एक्सप्रेस करने की आदत डालो. अगर आप किसी को एक्सप्रेस करोगे तो वो हमेशा याद रखेगी दैट देर इज़ वन पर्सन हु एक्चुअली हैज़ द गट्स टू एक्सप्रेस व्हाट ही और शी फील्स अबाउट मी. सेकेंडली, एक्सप्रेस करने के बाद आपके पास एक क्लियर लाइन आ जाएगी कि आपने आगे कैसे मूव करना है. अगर वो हाँ बोलती हैं तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन, लेकिन अगर वो ना बोलती हैं तो यू एक्चुअली हैव अ सिनेरियो कि मुझे इस डायरेक्शन में और नहीं सोचना है. लेकिन अगर आप खुद को इतना पेंडिंग रखेंगे तो आप खुद नेगेटिव हो सकते हैं और खुद स्ट्रेस या प्रॉब्लम में जा सकते हैं. तो सबसे बड़ी चीज़ है खुद को एक्सप्रेस करें. एवरी गर्ल और एवरी बॉय हैज़ अ Tendency to know that loving or liking someone is a human nature. अगर आप किसी के साथ 10-12 दिन रहते हैं और उनका नेचर आपको पसंद आता है तो आपको अल्टीमेटली एक लाइकिंग और लव हो जाता है. लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते तो वो आपके लिए बुरा हो जाता है. मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगी तो वो मेरे मन पे बोझ रहेगा, मुझे स्ट्रेस रहेगा और मैं प्रॉब्लम में जा सकती हूँ. दूसरे पर्सन को शायद पता ही नहीं चल रहा है कि मैं उनके लिए सोच क्या रही हूँ. सो डोंट वरी, गो एक्सप्रेस. डोंट वरी कि आगे क्या होगा, वो मेरी फ्रेंड रहेंगी या नहीं रहेंगी, मुझे छोड़ जाएंगी, वो बात की बात है. अभी के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज गो एंड एक्सप्रेस. वो नहीं छोड़ेंगी, वो नहीं छोड़ के जाएंगी. इफ़ यू हैव गुड क्वालिटीज, यू ऑलवेज अप्रिशिएटेड हर, शी विल नॉट लीव यू, ट्रस्ट मी. सो ऑल ऑफ देम हु हैर इन इंटरमीडिएशन कि बोलना है या नहीं बोलना, प्लीज़ जाइए, बोलिए. थिंग्स विल गो ऑन अ पॉजिटिव नोट. अभी के लिए पॉजिटिव नहीं होगा तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा. यू विल हैव अ क्लियर लाइन कि उस लड़की ने मुझे मना किया एंड आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि उसने मेरे को धोखा नहीं दिया, मेरे लिए डिसलॉयल नहीं रही और मुझे क्लियर लाइन पहले से ही दे दिया. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड.